दोस्तों आज डाटा लेट आया तो हम सीधा जो है एनालिसिस पे ही चलेंगे। आप ये देख सकते हैं कि आज क्या कामकाज हुआ है। ये टुडे का है। आज रिटेलर हमारे फिर से बुलिश हो गए। इन्होंने फिर से खरीद लिया इंडेक्स। अब इनके पास मतलब 1970 कंट्रैक्ट है। DII थोड़ा सा नंबर कवर किया। FII क्योंकि ये जब बुलिश होते हैं तो माल इनको इन्होंने देना, क्योंकि माल इनके पास पड़ा हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, आज वापस रोटेट कर दिया, इनको वापस दे दिया। कल इनसे ले लिया था तो अब इनके पास 24,383 24,383 कंट्रैक्ट है। और प्रास में नंबर फिर से बढ़ा लिया क्योंकि इसकी राइटिंग अच्छी थी, तो इसको बढ़ाना मजबूरी थी, लेकिन फिर भी मार्केट जो है ऊपर आ गई। अब इसके पास 4,525 कंट्रैक्ट हैं जो इसने राइट किए हुए हैं। क्लाइंट्स इंडेक्स कॉल से तो गए। आज इन्होंने एक प्रॉफिट बुक किया थोड़ा सा, 31,546 कंट्रैक्ट है। और दिन भर ये पुट में ही खेलते रहे, आप यहाँ से देख सकते हैं। DII इस नंबर में चेंज नहीं है। FII भी कोई खास मेजर चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। इनका भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। 51,225 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और 83,038 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। इनकी तरफ से भी कोई मेजर चेंज नहीं है। वही पुट में गेम होती रही, सब पुट पुट खेलते रहे। FII सबका इंटरेस्ट जो पुट में ही है। और रिटेलर्स अब इनके पास 1,02,508 कंट्रैक्ट हैं, थोड़ा सा इन्होंने मुनाफा बांधा है। ये इसके बाद 11,060 कंट्रैक्ट हैं। FII इन्होंने भी नंबर कम किया, 1,18,639 1,18,639 कंट्रैक्ट इनके पास है। और प्रास ने नंबर बढ़ाया है, 27,191 कंट्रैक्ट इनके पास है। और क्लियर कट यहाँ पे देखिए, स्टॉक फ्यूचर में नंबर कम किया है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बांध रहे हैं रिटेलर। DII इस नंबर में कोई खास चेंज नहीं है। FII नंबर बढ़ा लिया है। ये नंबर कहाँ पे हो सकता है, IT में हो सकता है, और कहीं ना कहीं आज फाइनेंशियल स्टॉक थोड़े से चले हैं तो वहां पे हो सकता है। और प्रास 99,000 कंट्रैक्ट इनके पास है। अब चलते हैं दोस्तों सीधा डाटा पे, ऑप्शन चेन पे देखने की कोशिश करते हैं कि आज जर्नल कामकाज क्या हुआ। FII ने 2,223 करोड़ 2,223 करोड़ की बाइंग की है। सामने से DII ने 854 करोड़ की सेलिंग की है। तो बाकी की सेलिंग हमारे जो है रिटेलर करते हुए नजर आए हैं। अब कामकाज क्या हो रहा है, आप देखिए US मार्केट थोड़ी सी नरमी दिखा रहे हैं, -85 पॉइंट है। और US मार्केट जो है अभी डाउन है, हमारी मार्केट 15,000 के ऊपर है। सुबह होते होते मुझे लगता है कि ये अपनी चाल में आ जाएगी या नीचे आ जाएगी अगर मार्केट ज़्यादा हुए तो। यूरोपियन मार्केट अभी ऊपर है, थोड़ा थोड़ा यूरोपियन मार्केट ऊपर है। एशियन मार्केट का सुबह कैसे कामकाज होगा आपको उस पर नज़र रखनी है, और US मार्केट की क्लोजिंग कैसे है उस पर नज़र रखनी है। वही हमारी मार्केट की कल की दिशा जो है वो तय करेगी। दोस्तों मार्केट की क्लोजिंग हुई है 14,919 पे। वैसे तो तेज थी लेकिन पोस्ट क्लोजिंग नीचे आई है, तो मैं सीधा 14,930 ट्राई करूंगा, वहां देखूंगा कि कल क्या कामकाज हो सकता है। 14,900 21,898 21,898 कंट्रैक्ट है पुट में। क्लियर कट देखिए, यहाँ पे आपको एडिशन है, ये सारा जो है एडिशन आ हुआ है। 14,900 की कॉल पे 29,758 कंट्रैक्ट है। क्लियर कट आप देखिए, ये प्रॉफिट सारा बुक हुआ है। अब कल क्या है, 15,000 ये एक लेवल है जहाँ पे आपको नजर रखना है। 15,000 का लेवल काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। यहाँ पे 50,562 जो है वो कंट्रैक्ट है। 15,040 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होती है, ट्रेड करती है, तो ये आपको कहीं ना कहीं 15,100 150 यहाँ पे जाती हुई नजर आएगी। रीजन बींग दैट कि ये जो सारे राइट करके बैठे हुए हैं ये सारे भागेंगे कवरिंग के लिए, और 15,040 के ऊपर तो कहीं ना कहीं ये 15,100 की तरफ पुश कर सकते हैं। और अगर गैप डाउन होती है इस लेवल के, या कहीं आज के लेवल पे होती है 14,950 की तरफ, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि फर्दर एडिशन कॉल में होता है या पुट में होता है। तो जिस तरह भी होता है आप डाटा पे नजर रखते हुए जो है ट्रेड ले सकते हैं, आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो कल की ब्रॉडर रेंज है वो मुझे कुछ 14,850 से 15,100 ये नजर में आ रही है। अब चलिए सीधा बैंक निफ्टी के डाटा के ऊपर देखते हैं कि बैंक निफ्टी का डाटा क्या पॉइंट आउट करता है। क्लोजिंग हुई है 35,419 के लेवल पे।
तो मेरे को सीधा 37,500 की तरफ चलना है, वहाँ पे देखना क्या एक्शन हुआ है। तो अगर आप देखेंगे 35,500 पे 23,000 कंट्रैक्ट यहाँ पे पुट में है, जहाँ पे 11,900 एक कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं, और 35,000 पे 34,260 कंट्रैक्ट है जहाँ पे ये जुड़े हैं। तो क्लियर कट 35,000 जो है वो सपोर्ट है, 35,500 रेजिस्टेंस का लेवल है। इसके ऊपर अगर गैप अप होती है 650-700 के ऊपर, तो एक बार के लिए आप जो है डाटा पे नजर रखना, क्योंकि आज भी 750 से मुड़ी थी और 35,000 तक आई थी। तो कॉल अभी भी अच्छी राइड की हुई है फ्रॉस्ट के पास, तो वो एक बार के लिए नीचे धकेलने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर 35,700 के ऊपर सस्टेन की 15 मिनट, और यहाँ पे आप देखो कि एडिशन फर्दर चालू हो जाता है पुट में 35,500 की पुट में, तो आप कॉल लेके चलना, 35,500 की इन द मनी आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। वैसे आप देखिए कि मार्केट ऊपर तो बंद हुई है, कॉल भी माइनस में बंद हुई है और पुट तो जबरदस्त माइनस में बंद हुई है, तो ये डाटा बड़ा कुछ इंडिकेट करता है। अगर आपको समझ में आती है तो आप जो है समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर होने के बावजूद भी कॉल भी माइनस में है, पुट भी माइनस में है। तो आने वाले दिन में अभी डायरेक्शन क्या बनेगी वो हम जो है आगे आने वाले दिनों में देखेंगे, लेकिन क्लियर कट लेवल्स को नजर में रख के अगर ट्रेड लोगे तो आपको मुनाफा देखने को मिलेगा। लाइव मार्केट पे डाटा पे जरूर नजर रखिएगा। इसी के साथ दोस्तों एनालिसिस यही खत्म करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि कल आपको कुछ मुनाफा देखने को मिले इस एनालिसिस के बेसिस पे। नमस्कार, जय हिंद।